नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ की जानकारी आपको देने वाले हैं जिसका उपयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है और बहुत से लोग इस चीज़ को बड़ी ही चाव के साथ खाते हैं। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बात आती है हमारी हेल्थ के बारे में तो हमारे पास सारी जानकारियां होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मक्खन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मक्खन यानी कि बटर। दोस्तों, भारतीय खान पान में मक्खन का एक अहम स्थान होता है जो लगभग सभी जगह उपयोग में ली जाती है। आखिर हो भी क्यों ना, ये इतनी लजीज जो होती है। कई लोग यह सोच में होते हैं कि क्या मक्खन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या फिर यह हमें फ़ायदा पहुंचाता है। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि मक्खन के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं जो शरीर के हिसाब से परफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मक्खन खाने के कुछ ऐसे फ़ायदे और नुकसानों के बारे में बता रहे हैं जिसे जानकर आप ये जान सकेंगे कि आपके हेल्थ के लिए बढ़िया है या फिर आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मक्खन खाने के क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। दोस्तों, मक्खन में लोरिक एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि फंगल इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको कई तरह के फंगल इन्फेक्शन से ये छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके सेवन से इसमें मौजूद लोरिक एसिड आपको कैंडिला से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, मक्खन आपके शरीर में ज़रूरतमंद विटामिन जैसे कि विटामिन ए, बी, इन सबको एब्जॉर्ब करने में सरलता प्रदान करता है। ये सभी जरूरी विटामिन्स बड़े ही आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मौजूद आर्चिडोनिक नामक एसिड ब्रेन सेल्स डेवलप करने में मदद करती है और आपको भूलने की समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करती हैं। दोस्तों, मक्खन में फैट की भरपूर मात्रा मौजूद होती है जो शरीर के लिए काफ़ी है। अगर आप मक्खन को अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपको आपके शरीर की आवश्यकता जितना भरपूर मात्रा में फैट की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, मक्खन में मौजूद विटामिन डी आपके शरीर में कैल्शियम के न अब्जॉर्ब होने वाली समस्या को खत्म कर देता है। जी हाँ, अगर नियमित रूप से एक कटोरे मक्खन का सेवन आप लोग करते हैं तो इससे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा मेंटेन रहेगी और आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी कभी कम नहीं होगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे इसके कुछ अनमोल फायदे। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के फायदे होते हैं तो उसको ज़्यादा खाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, यही बात मक्खन के साथ भी लागू होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में मक्खन खाते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और वो क्या क्या हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों, मक्खन के सेवन से आपके शरीर में हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मक्खन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भरपूर होती है जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इनक्रीज़ करता है, यानी कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ा देता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए बता दें दोस्तों कि बहुत ख़तरनाक होता है, जो आपको कई सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स में परेशानी में डाल सकता है। तो इस लिहाज से ये नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मक्खन में जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि भरपूर मात्रा में फैट होता है जिसकी वजह से यह आपके वजन को काफ़ी तेज़ी के साथ और काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तो वजन बढ़ जाने के कारण आपको कई तरह की और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको तो मक्खन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मक्खन को खाएंगे तो आपका वजन और भी ज़्यादा तेज़ गति के साथ बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे मक्खन खाने के कुछ नुकसान जिसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी, ख़ास तौर पर मक्खन के बारे में, किस किस लिहाज से ये फ़ायदेमंद होता है, क्या क्या बेनिफिट्स ये देता है और क्या क्या इसको ज़्यादा खाने से नुकसान भी हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो और जानकारी आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।